उत्तर प्रदेश पे ही वापस आती हूँ। वहां पर जो ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, जो पहले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, ऑप्टिक्स में ऐसे लग रहा है जैसे दो युवा नेता हैं, अखिलेश और जयंत, और दूसरी तरफ बहुत ही पावरफुल योगी जी और मोदी जी, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है कह रहे हैं, और उनके साथ है ईडी, उनके साथ है जुडिशरी, उनके साथ है मीडिया। तो एक अनइवन प्लेइंग ग्राउंड है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात है कि ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था, और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोड़ से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव, लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देखा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या? नहीं, पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी और इदारों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, और टैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर, उनके रिश्तेदारों पर। आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दीमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा, तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करें? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है।